हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन का 8वां भाग, जो आपके NVS और UPTET से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक कलाकार तैयब मेहता की पेंटिंग ब्लू सुदबी की लंदन में हुई नीलामी में कितनी राशि में बिकी? वन ए ऑप्शन ए 10 करोड़, बी 11 करोड़, सी 5.2 करोड़, डी 23 करोड़। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो ब्लू पेंटिंग है, ब्लू शीर्षक नामक पेंटिंग है तैयब मेहता जी की, वह 11 करोड़ में बिकी थी लंदन में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बी। अगला प्रश्न है, संयोजन का सिद्धांत नहीं है। ए संतुलन, बी वर्ण, सी सामंजस्य, डी लय। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वर्ण। तो इसका भी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं के चित्र किस शताब्दी के हैं? ए पहली, बी छठी, सी नवीं, डी दसवीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंट मेकर नहीं है? ए रिम्ब्रा, बी विलियम ब्लैक, सी पिकासो, डी थियोडोर जेरिकॉल्ट। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, थियोडोर जेरिकॉल्ट है, वह एक चित्रकार है, बाकी तीनों चित्रकार एवं प्रिंटकार दोनों हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रेखा प्रशंस्याचार्य वर्तनानाम च विचक्षणा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो रेखा प्रशंस्याचार्य वर्तना च विचक्षणा ग्रंथ जो है किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो यह चित्रलक्षणम ग्रंथ में है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है? प्रसिद्ध समकालीन पेंटर या आर्टिस्ट अर्पिता सिंह किस चित्रकार की पत्नी है? ए परमजीत सिंह, बी रविशंकर रावल, सी जैनुअल अबदीन, डी महेंद्र पांडे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, परमजीत सिंह की पत्नी है अर्पिता सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, परमजीत सिंह। अगला प्रश्न है, नर्तकी अमरपाली का चित्र किसने बनाया है? ए नंदलाल बोस, बी अमृता शेरगिल, सी एम एफ हुसैन, डी प्रमोद कुमार चटर्जी। तो नर्तकी अमरपाली जी का चित्र जो है प्रमोद कुमार चटर्जी ने बनाया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मलार कलाकार किसके लिए जाने जाते हैं? ए वुड कार्विंग, बी टेराकोटा, सी मेटल कास्टिंग, डी आयरन वर्क। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो मलार कलाकार हैं वह मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मेटल कास्टिंग। अगला प्रश्न है, हायर रेनेसा का वह कलाकार जिसने वंडर ऑफ द एज कहा जाता है, किस कलाकार को वंडर ऑफ द एज कहा जाता है? वह हायर रेनेसा का कलाकार है, ए राइफेल, बी माइकल एंजेलो, सी लियोनार्डो, डी फ्रा एंजेलो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लियोनार्डो विंची को जो है वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सेन नदी के किनारे युवतियाँ के चित्रकार हैं, जो शीर्षक है सेन नदी के किनारे युवतियाँ के चित्रकार हैं, ए कुर्बे, बी सेजांट, सी माने, डी देगा। तो सेन नदी के किनारे युवतियाँ के चित्रकार हैं कुर्बे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, कुर्बे। अगला प्रश्न है, फावाद कला की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? ए 1901, बी 1903, सी 1905, डी 1907। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1905 में फावाद कला की प्रदर्शनी जो है 1905 में हुई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सी। अगला प्रश्न है, प्रज्ञापारमिता के रचनाकार हैं, प्रज्ञापारमिता जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है? ए नागार्जुन, बी पाणिनी, सी गुणाढ्य, डी वासुमित्र। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, प्रज्ञापारमिता के रचनाकार हैं नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके समय भारत आया था? फाहियान जो चीनी यात्री था वह किसके समय भारत आया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी हर्षवर्धन, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था फाहियान। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनवाद से प्रभावित कलाकार कौन है? ए जॉर्ज की, बी एम एफ हुसैन, सी सवाला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गगनेनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? गगनेनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1867, बी 1876, सी 1967, डी 1875। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, गगनेनाथ टैगोर का जन्म जो है 1867 में, 1867 में हुआ था। तो गगनेनाथ टैगोर का 1867 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अमिताभ शेरगिल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ए दिल्ली, बी पेरिस, सी म्यूनिख, डी साओ पाउलो। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अमिताभ शेरगिल ने जो है पेरिस से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ए 29 मार्च 1954, बी 25 मार्च 1947, सी 6 अगस्त 1954, डी 11 नवंबर 1949। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 29 मार्च 1954 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना जो हुई थी, 29 मार्च 1954 को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिल्पी चक्र की स्थापना के समय नहीं था? तो वह कौन सा कलाकार है जो शिल्पी चक्र के स्थापना के समय नहीं था? ए कंवल कृष्ण, बी के एस कुलकर्णी, सी प्राण आत्मा को, डी जगमोहन चोपड़ा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जगमोहन चोपड़ा जो है यह दिल्ली शिल्पी चक्र के स्थापना के समय नहीं थे, बाकी तीनों जो थे वह उस समय स्थित थे दिल्ली शिल्पी चक्र के स्थापना के समय। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जगमोहन चोपड़ा। अगला प्रश्न है, पैर के उस सदस्य का नाम बताइए जो पेरिस में जा बसे। ए सुजा, बी गाड़े, सी राजा, डी बाकरे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजा। राजा जो है वह पेरिस में जाके बस गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो पैग के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनवाद चित्रों का माध्यम होता था या होता है? अभिव्यंजनवाद चित्रों का माध्यम होता है, ए तैल, बी जल रंग, सी टेम्परा, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोई नहीं। अभिव्यंजनवाद चित्रों का माध्यम कोई नहीं है इन ऑप्शनों में से, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं के संबंध में सबसे पहले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने किस सन में चर्चा की थी? ए 1829, बी 1927, सी 1929, डी 1847। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1829 में। अगला प्रश्न है, मिस्टर ग्रिफिथ्स आचार्य प्रचार्य रहे हैं। ए बड़ौदा स्कूल के, बी सर जे जे स्कूल के, सी कलकत्ता स्कूल के, डी मद्रास स्कूल के। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जे जे स्कूल के। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राजहंस नामक रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र स्याही द्वारा किस धरातल पर अंकित किया गया है? ए कागज पर, बी कार्डबोर्ड पर, सी कपड़े पर, डी कास्ट पर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कागज पर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है, यह किसके माध्य के अंकन है? इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने वाला सहायक उत्पन्न करने में सहायक होता है, यह किसके मध्य में अंकन होता है? ए 12 फ्रेम, बी 24 फ्रेम, सी 4 फ्रेम, डी की फ्रेम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, की फ्रेम के मध्य में अंकन होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा द्वारा निर्मित सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, जैन धर्म से। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मा द्वारा निर्मित करवाया गया है सित्तनवासल गुफा और वह जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का चित्रण किस धर्म पर आधारित है? ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव, डी ब्राह्मण। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बौद्ध बौद्ध
धर्म पर आधारित है, बाघ गुफाएं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता आर्ट स्कूल के पश्चात कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था किसने की? ए पर्सी ब्राउन, बी ई वी हेवल, सी अवनीनाथ ठाकुर, डी रविनाथ ठाकुर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जो ई वी हेवल ने जो है कलकत्ता आर्ट स्कूल में पाश्चात्य शैली के स्थान पर भारतीय शैली से अध्ययन करने की व्यवस्था की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ई वी हेवल। अगला प्रश्न है, कागज पर तैल रंग से चित्रित हंगेरियन जिप्सी गर्ल या जिप्सी बालक चित्र निरूपित किया? ए देवयानी कृष्ण, बी एल बी पलसिकार, सी चितिनाथ मजुमदार, डी अमृता शेरगिल। हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है चित्रित किया है वह अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णा रेड्डी जो है वह हैदराबाद से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं का पता लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने कब लगाया था? तो बाघ गुफा की खोज कब की थी? डेंजरफील्ड ने की थी और 1818 में की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, डेंजरफील्ड ने की थी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कब की थी? 1818 में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बाघ गुफा की खोज कब और किसने की? लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को क्या कहा जाता है? जो मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा ग्रहों को क्या कहा जाता है? ए मीनार, बी जिगुरत, सी जिमरिलिम, डी पिरामिड। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, जिगुरत बोलते हैं। जो पूजा ग्रह हैं सीढ़ीदार पिरामिड सुमेरियन युग के मेसोपोटामिया में, उसे जिगुरत बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर इस शैली का है? तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह किस शैली का है? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसर, डी मिश्र शैली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह नागर शैली का है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उस गुफा को पहचान कीजिए जो अपनी मूर्तिकला में हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण प्रस्तुत करती है। ए अजंता, बी बदामी, सी एलोरा, डी सित्रवासल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो एलोरा गुफा वह हिंदू धर्म के रूप में पहचान रखती है वह अपनी मूर्तिकला के जरिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एलोरा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एलोरा। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 22 किस नाम से प्रसिद्ध है? एलोरा की गुफा संख्या 22 वह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए रावण की खाई, बी गणेश गुफा, सी इंद्रसभा जो है, और डी नीलकंठ। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 22 गुफा संख्या 22 जो है वह गुफा संख्या 22 जो है नीलकंठ के नाम से जानी जाती है, और यह जो है 32वीं गुफा है, 32वीं गुफा जो है इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? ए अजंता में, बी एलोरा में, सी खजुराहो में, डी बाघ में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वह खजुराहो में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस चित्र की पहचान कीजिए जो मीर सैयद अली द्वारा चित्रित नहीं है। तो इसमें से एक चित्र ऐसा है जो मीर सैयद अली का चित्र नहीं है। तो ऑप्शन ए मजनू का जन्म, बी लैला के सामने जंजीरों में बंधा मजनू, सी गोवध करता जहाक, डी सलीम का जन्म। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, यह जो है मीर सैयद अली का चित्र नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी लक्ष्मी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? ए द्वारिका, बी पुरी, सी मथुरा, डी गांधीनगर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, गांधीनगर गुजरात में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, स्वामी लक्ष्मी नारायण का मंदिर जो है वह गांधीनगर में स्थित है गुजरात में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में कला केंद्र कौन से स्थान होते थे? ए राजभवन, बी समाधि, सी पूजा ग्रह, जिगुरत, डी पाषाण स्तंभ। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पूजा ग्रह, जिसे जिगुरात के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया में कला केंद्र होते थे पूजा ग्रह में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है। तो गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप कहाँ पाया जाता है? ए
नोट्रे डम गिरजा में, बी रिम्स गिरजा में, सी एमियंस गिरजा में, डी बुर्जेस गिरजा में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रिम्स गिरजा में। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम रूप यहाँ पाया जाता है रिम्स गिरजा में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? न्यू एथेंस शहर किसे कहा जाता है? ए रोम को, बी फ्लोरेंस को, सी मिलान को, डी वेनिस को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, न्यू एथेंस शहर जो है वह रोम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति के मूर्तिकार हैं? ए नर्नांदिक बैंको, बी लारेंजो, सी दोनातेल्लो, डी घिबर्ती। तो प्रारंभिक जो पुनर्जागरण काल है उसमें डेविड की मूर्ति का जो मूर्तिकार है वह दोनातेल्लो है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और जो हाई रेनेसा या उच्च पुनर्जागरण काल में डेविड की मूर्ति बनाई गई है उसके मूर्तिकार हैं माइकल एंजेलो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दोनातेल्लो। यह प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति है और इसके मूर्तिकार हैं दोनातेल्लो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 2.25 फुट लंबे और लगभग 2 फुट चौड़े सूती कपड़े पर अकबर युग के समय सबसे पहले चित्रित ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हमजानामा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, हमजानामा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? गोल्डन पैगोडा, ब्लैक पैगोडा जो है सूर्य मंदिर को कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर रथ को। विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पैगोडा कहाँ स्थित है? यंगून, यंगून म्यांमार में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, यंगून म्यांमार में स्थित है गोल्डन पैगोडा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने प्रायः सागर तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक क्रियाकलापों को प्रमुखता से चित्रित किया है? ए अमृता शेरगिल, बी सैलोज मुखर्जी, सी अलमेलकर, डी एन एस बेंद्रे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यह तटवर्ती लोगों के जीवन और विशेष रूप से मछुआरों के दैनिक जीवन के क्रियाकलापों को मुख्यता से या प्रमुखता से चित्रित किया है तो वह है अलमेलकर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अलमेलकर। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कला में किस प्रकार की चेतना का अभाव है? किस प्रकार की चेतना का अभाव है? ए लोक जीवन, बी आधुनिक जीवन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, आधुनिक जीवन की चेतना का अभाव है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई क्या है? तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर की ऊंचाई मंदिर है उसकी ऊंचाई क्या है? ए 60 फीट, 60 मीटर, बी 50 मीटर, सी 55 मीटर, डी 66 मीटर, 66 मीटर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 66 मीटर, इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 66 मीटर। अगला प्रश्न है, एक विशेष तकनीकी द्रुत तुलिका संचालन किसकी विशेषता है? द्रुत तुलिका संचालन किसकी विशेषता है? ए अवनीना टैगोर, बी अशित कुमार हल्दर, सी अमनी रॉय, डी नंदलाल बोस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जो है वह एक विशेष तकनीकी द्रुत तुलिका संचालन जानते थे। तो इसका ऑप्शन बी डी सही होगा, नंदलाल बोस। ऑप्शन डी सही होगा, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, रविनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? ए बालकला, बी अभ्यंजनावाद, सी लोककला, डी प्रभाववाद। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अभ्यंजनावाद शैली के समान है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? बीजापुर का घेरा किस युग का प्रसिद्ध चित्र है? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, बीजापुर का घेरा जो हुआ औरंगजेब के समय का है। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है, पुनर्जागरण जो है अपने चरमोत्कर्ष पर कब और किस समय पहुंची थी? ए 1480 से 1507, बी 1490 से 1517, सी 1500 से 1527, डी 1510 से 1537। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जो पुनर्जागरण काल हुआ अपने चरमोत्कर्ष पर था 1500 से 1527 में के समय में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, ए अंधियाटी का चित्र, बी मोनालिसा, सी लास्ट सपायर,
डी वर्जिन ऑफ द रॉक्स, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो चित्र हुआ लियोनार्डो विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोहर केशवदास गोवर्धन तथा बालचंद की कला में क्या समानता है? ए पशु पक्षी चित्र, बी आत्मचित्र, सी कल्पना चित्र, डी व्यक्ति चित्र, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मनोहर केशवदास गोवर्धन तथा बालचंद की कला में जो है वह समानता है आत्मचित्र के, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमरूद शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अमरूद शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? ए मेवाड़, बी किशनगढ़, सी मालवा, डी बूंदी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, मालवा। जो अमरूद शतक के चित्रों के लिए जानी जाती है वह मालवा है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? ए बूंदी, बी जोधपुर, सी नाथद्वारा, डी मेवाड़, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। कुंडलीकृत मेघ जो है वह किस शैली की विशेषता है? तो जोधपुर की, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पाल शैली का युग कौन सा था? ए प्राचीन काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी मध्यकाल, डी आधुनिक काल, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्यकाल। पाल शैली का युग था मध्यकाल, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन गुफा चित्रों में मेघवालाएँ कहाँ अंकित हैं? मेघवालाएँ कहाँ अंकित हैं? ए सिगिरिया, बी बाघ, सी बादामी, डी अजंता, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सिगिरिया में, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं है? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? ए स्कोपस, बी विलियम्स, सी प्रैक्सी टाइल्स, डी फिडियास, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फिडियास जो है वह चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मूर्तिकार नहीं है, बाकी तीनों हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? ए ईरान, बी काबुल, सी अफगानिस्तान, डी ताशकंद, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। हुमायूं के दरबारी चित्रकार जो है वह ईरान के रहने वाले थे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ईरान। अगला प्रश्न है, किस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख हैं? 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख हैं। ए भरहुत, बी सांची, डी अमरावती, सी धमेख, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सांची, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सांची। सांची में जो है 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता थे, जो मदर इंडिया फिल्म है उसके निर्माता कौन थे? डायरेक्टर ए महबूब खान, बी भानु अथैया, सी सत्यजीत रे, डी बाबा साहेब फाल्के, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। प्रथम ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया जो है वह महबूब खान द्वारा निर्मित की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, महबूब खान। अगला प्रश्न है, सन्यासी के वेश में बुद्ध किसने बनाया? सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? ए भाव समर्थ, बी अब्दुल रहमान, सी यमुनी रॉय, डी पुतिन बिहारी दत्त, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पुतिन बिहारी दत्त ने जो है सन्यासी के वेश में बुद्ध को बनाया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पुतिन बिहारी दत्त ने जो है सन्यासी के वेश में बुद्ध को चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने करवाया है? ए पाल, बी गुप्त, सी जैन, डी हिंदू, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पाल राजवंश ने जो है वह पोथी चित्रों का निर्माण करवाया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित हैं? ए गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, बी गुफा संख्या 5 के बाहरी बरामदे में, सी गुफा संख्या 3 के बाहरी बरामदे में, डी गुफा संख्या 7 के बाहरी बरामदे में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में जो है शोकमग्न तथा दासी की आकृतियाँ जो है चित्रित हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्मों का
जो है दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये सारनाथ भी, कुशीनगर सी, कौशाम्बी डी, देवीपाटन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कौशाम्बी। जो है कौशाम्बी में जो है बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतया कहानी आधारित थी। ए फेंटास गोमरी, बी गॉन विथ द विंड, सी थ्री लिटिल पिक्स, डी स्टीम बोल्ट बिल्ले। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गॉन विथ द विंड। यह पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतया कहानी आधारित थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की 12 मूर्तियां कहाँ है। ए सेंट पीटर्स गिरजा में, बी सेंट मैथ्यू गिरजा में, सी सिस्टाइन गिरजा में, डी सेंट डेनिस गिरजा में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेंट पीटर्स गिरजा में स्थित है 12 मूर्तियाँ माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गुफा संख्या 10 जो है, 10 का प्रवेश द्वार जो है मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सलोदा रिफ्यूजे क्या है, सलोदा रिफ्यूजे क्या है, कला प्रदर्शनी, बी चित्र, सी म्यूजियम, डी राजनीतिक संस्था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सलोदा रिफ्यूजे जो है वह कला प्रदर्शनी है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी। ए शांति निकेतन, बी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, ए श्री निकेतन, बी कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, सी शांति निकेतन, डी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शांति निकेतन में। रामकिंकर बैच की जो है कला शिक्षा कहाँ हुई थी, शांति निकेतन में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्यनगर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है। लिंगराज मंदिर नगर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। आर्य नागर सर्वश्रेष्ठ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है। ए लिंगराज मंदिर, बी जगन्नाथ मंदिर, सी सूर्य मंदिर, डी साक्षी मंदिर। तो इसका ऑप्शन लिंगराज मंदिर सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, लिंगराज मंदिर। मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया। ए सतीश गुजराल, बी विवान सुंदरम, सी मंजीत बाबा, डी एम एफ हुसैन। तो मदर टेरेसा नामक चित्र जो है वह एम एफ हुसैन द्वारा बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, एम एफ हुसैन। अगला प्रश्न है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। शीतल प्रभाव जो उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं वह कौन कौन से हैं। ए लाल पीला, बी नीला हरा, सी काला सफेद, डी लाल हरा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नीला हरा। जो नीला हरा जो है रंग है वह दोनों यह ठंडे कलर में आते हैं, यह शीतलता जो है उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रभावादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। प्रभावादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय का भाववादी चित्रण, बी विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, सी विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, डी विषय की सौंदर्यपूर्ण चित्रण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण कला की चित्रकला को जन्म दिया। ए सीमाबू, बी दुच्चियो, सी जत्तो, डी बोतीचली। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सी सही होगा, सॉरी, जत्यो की जो कला है वह पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जत्यो। अगला प्रश्न है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर मानव, बाइसन, उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उक्त सभी। जो स्पेन की प्रागैतिहासिक अल्तामिरा गुफा है उसमें यह सभी चित्र चित्रित हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ था। ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी सातवाहन, डी गुप्त काल। तो इसका ऑप्शन जो है, अमरावती स्तूप का जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है उसका जो निर्माण है वह सातवाहन काल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनले का अर्थ है आकृति उत्कीर्णन, बी अंतिम प्लास्टर प्लस्तर, सी जड़ाऊ काम, डी अंतर्ज्ञानम अंतर्ज्ञान। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इनले का अर्थ है जड़ाऊ काम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है। ए चित्रकला के लिए, बी हाथी, सी मूर्तिकला, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एलिफेंटा जो है वह मूर्ति त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है।
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ठुमरी किसके राजस्व काल में लोकप्रिय हुई? ठुमरी जो है वह किसके राजस्व में लोकप्रिय हुई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बहादुर शाह, डी वाजिद अली शाह। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, वाजिद अली शाह के समय जो है ठुमरी लोकप्रिय हुई। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लिपि में किन अक्षर थे, कितने अक्षर थे? ए 230, बी 240, सी 250, डी 260। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा, 250। मेसोपोटामिया की लिपि में जो है 250 अक्षर थे। अगला प्रश्न है, बृहत कथा के लेखक कौन है? बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ्य, बी पाणी, सी कौटिल्य, डी चरक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बृहत कथा के लेखक हैं वह गुणाढ्य है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियाँ किस शैली की प्रतीक हैं? मौर्यकालीन जो है यक्ष की मूर्तियाँ किस शैली की प्रतीक हैं? ए गंधार मूर्ति शैली, बी मथुरा मूर्ति शैली, सी प्रिमिटिव मूर्ति शैली, सी पाल शैली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रिमिटिव शैली, प्रिमिटिव शैली की जो है वह प्रतीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? हिलियोस की कांसे की प्रतिमा जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? ए केप टाउन, बी केप ऑफ गुड होप, सी रोड्स द्वीप, डी निकोबार द्वीप। तो इसका ऑप्शन सी सही है, रोड्स द्वीप पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण या निर्माता कौन था? ए नेबुखदनेज्जर, बी फराओ फुखू, सी अगस्त सीजर, डी हबुरावी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नेबुखदनेज्जर ने जो है बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? पांडवानी जो लोक गायिका है, लोक गायन है, वह किस राज्य का लोक संगीत है? ए बिहार, बी बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी बुंदेलखंड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, छत्तीसगढ़। पांडवानी जो है लोक गायिका है, वह छत्तीसगढ़ राज्य की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने पर बनता है, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो यह आप सभी को पता ही होगा, पीला और नीला रंग जो प्रैक्टिकल के माध्यम से आप सबको जानकारी ही होगी कि पीला और नीला रंग बनाने से मिलाने से कौन सा रंग बनता है, हरा बनता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यह सबसे आसान प्रश्न था इस श्रृंखला का। अगला प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग, बी बैरोक पेंटिंग, सी हाई रेनेसा, डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है जॉन कांस्टेबल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर ही पर नहीं मिलती हैं कहलाती हैं? एक ही वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाई जाए और नहीं मिलती हैं कहलाती हैं? ए सरल रेखाएं, बी वक्र रेखाएं, सी असमांतर रेखाएं, डी समांतर रेखाएं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, समांतर रेखाएं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, समांतर रेखाएं। अगला प्रश्न है, शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम, भी मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश एवं कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो यह सारी रचनाएं जो हैं वह कालिदास द्वारा रचित की गई हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनी हैं? सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में बनी हैं? ए गंधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली, डी गुप्त शैली। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सबसे अधिक जो है बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं वह गंधार शैली में बनी है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्रोजन हॉर्स को किसने बनाया है? ए एपेयूस, बी रेमेयूस, डी बेसेयूस, डी ड्यूमस। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही होगा, एपेयूस ने जो है ट्रोजन हॉर्स को बनाया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर की ऊंचाई